सो दोस्तों अभिजोग मॉडल देख रहे हो द ऑनली 2022 TVS Apache RTR 164 विद द RM स्पेशल मॉडल, जिसमें आपको बहुत सारा फीचर्स न्यू मिल जाएगा। बाकी बाइक को अगर आप किसी भी एंगल से भी देखोगे आपको एक प्रीमियम सा फीलिंग मिलेगा दोस्तों। चाहे आप इस बाइक को पीछे से देख लो एंड ऑब्वियसली इसका साइड प्रोफाइल चेक कर लो, एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है। 156,000 इसका ऑन रोड पड़ता है हमारे वेस्ट बंगाल। आपके स्टेट पे कितना है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको जरूर बताएगा। बाकी सीट कुछ ड्यूअल टोन कलर पे, थोड़ा सा मैट रेड एंड ऑल्सो थोड़ा सा मैट ब्लैक, थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है। 800 mm इसका सीट हाइट है, जो किसी भी हाइट के राइडर के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है। 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिसमें आपको अच्छा खासा माइलेज कवरेज मिल जाएगा। बाकी फ्यूल टैंक पे थोड़ा सा ग्लॉजी रेड, ग्लॉजी ब्लैक एंड मैट ब्लैक तीनों कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है, जो देखने में और भी ज़्यादा प्रीमियम बना देती है दोस्तों बाइक को। हॉर्स का लोगो 3D पे दिया गया है एंड ऑल्सो साइड प्रोफाइल एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा रेड ग्रे एंड वाइट का तीनों स्ट्राइपिंग स्टिकर कॉम्बिनेशन किया गया है। देखिए इसका जो टैंक काउल है ना, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लुक अब आपको मिल जाएगा। बाकी उसके नीचे थोड़ा सा मैट फिनिशिंग ट्रीटमेंट दिया गया है। अपाची का जो ब्रांडिंग है कुछ वाइट टाइप स्टिकर पे है दोस्तों। इसमें आपको 159 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 17.63 bhp पावर आपको मिल जाएगा 9,250 का RPM पे एंड 14.73 Nm टॉर्क है 7,250 का RPM पे, जिसमें आपको अच्छा खासा इनिशियंट पिकअप पावर मिल जाता है। कैथलेटिक कन्वर्टर तो एज यूजल 2020 से ही हर एक बाइक पर मैंडेटरी है। सुपर मोटो का ABS इस बाइक पर प्रोवाइड की जाती है, सिंगल चैनल ABS मॉडल है। इधर आप चेक कर लो ABS का सेंसर। फ्रंट पे 90x90 सेक्शन का फ्रंट टायर आपको मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर है एंड इसका जो अलॉय व्हील्स है थोड़ा सा ग्लॉजी रेसिंग रेड कलर पे प्रोवाइड की गई है एंड उसके ऊपर ब्लैक का स्टिकर न्यू अपग्रेड किया गया है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट पे है एंड ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट पाइप इस बाइक पर प्रोवाइड की जाती है। एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है दोस्तों, इसलिए न्यू बाइक है एंड ऑब्वियसली न्यू बाइक है, इसी का स्टिकर भी अब तक उठाए नहीं गए। 2022 की प्रोडक्शन बाइक है। ग्रैबरेल थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है, थोड़ा अब आपको ग्रे टाइप कलर पे मिल जाएगा। RTR 164 भी कुछ इस टाइप स्टिकर कॉम्बिनेशन पे लिखा हुआ मिलता है। देखिए RTR तो है वाइट पे, 160 रेड एंड वाइट पे एंड 4 भी थोड़ा सा पिंक टाइप सेट कलर पे। सामने से बाइक कुछ ऐसा लुक प्रोवाइड करती है एंड ऑल्सो इस पर साइड प्रोफाइल एक बार चेक कर लो। दोस्तों आपके स्टेट में कितना है आप ऑब्वियसली कमेंट करके मुझको बताइए, कितना ऑन रोड पड़ती है बाइक। बाकी इसमें सारी गार्ड दिया गया है, इधर देख लो टायर हगर प्रोवाइड की गई है। देखिए टायर हगर भी दिया गया है एंड रिफ्लेक्टर भी, जो रात में बाइक चलने के लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल होता है। देखिए न्यू बाइक है, ऑब्वियसली न्यू बाइक है, अभी जस्ट बाइक शुरू करी है तो इसलिए स्टिकर भी तो प्रोवाइड नहीं गया है एंड इंजन पावर तो मैंने बोल दिया अप्रॉक्सीमेटली 17.63 bhp। इंजन कॉल थोड़ा सा डिफरेंट टाइप सेप पे मिलता है, उसमें RTFI का ब्रांडिंग भी जस्ट चेक कर लो, हाइपरेज भी लिखा हुआ मिलेगा, तो देखने में थोड़ा सा इनहेंस कर देती है इसका लुक को। स्विच प्रोफाइल एक बार चेक कर लो, राइडिंग मोड्स का बटन, इंजन कट ऑफ स्विच, नीचे ही इसका हेडलाइट ऑन ऑफ स्विच एंड उसके नीचे सेल्फ, इधर हॉर्न, इंडिकेटर का हाई बीम लो बीम एंड ऑल्सो पासिंग स्विच ऑफ। बाकी मीटर कौन से होते हैं, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, डिजिटल टाइम, फ्यूल का डिटेल्स, गियर पोजीशन इंडिकेटर, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा, जो शायद आपको दूसरे किसी 160 cc बाइक पे इतना सारा कुछ फीचर्स मिले। बाइक अभी हावड़ा आंदूर सूप TVS पे अवेलेबल है, आप भेजिएगा आइए और अपना ड्रीम बाइक के शोरूम से परचेस कीजिए। मैं इस शोरूम का फ़ोन नंबर अपने स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख के कॉल कर लेना। सूप TVS जो कि हावड़ा आंदूर पे है। और एक खासियत दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा इस बाइक पे, देखिए एडजस्टेबल क्लच लीवर इधर देख लो आपको मिल जाएगा, जो थोड़ा सा क्रोम टाइप ट्रीटमेंट पे दिया गया है एंड मिरर पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर टाइप न्यू स्टिकर अपग्रेड किया गया है, जो देखने में थोड़ा सा स्पोर्टी फील कर देती है बाइक को। बाकी मिरर लुक्स आर सेम, इसमें कुछ भी नया अपडेट नहीं है। हैंडल बार आर ऑल्सो सेम, इसमें भी नया कुछ अपडेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वही सेम हैंडल बार 2021 में जो था, सेम वाला हैंडल बार इस 2022 में मॉडल में भी है, इसमें भी कुछ भी अपडेट नहीं है। जब देख लो इसका जो ब्रेक लीवर, इसमें भी एडजस्टेबल पॉइंट किया गया है, आप अपने मेजरमेंट के वाइज इसे एडजस्टमेंट कर पाओगे। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए।